तो प्यारे दोस्तों, आइए आज आपको लेकर के चलते हैं ईटानगर शहर और दिखाते हैं वहाँ की सुंदर सुंदर इमारतें और प्यारा सा शहर। तो प्यारे दोस्तों, यह ईटानगर शहर की सेंट्रल मार्केट है। यह पूरा शहर पहाड़ों पर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले यहाँ के लोग काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से ज़िंदगी जीते थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अर्बनाइजेशन पहुँच रहा है, लोगों के जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन आता जा रहा है। अभी आप इस शहर में ऊँची ऊँची बिल्डिंग देख सकते हैं, अच्छी खासी रोड देख सकते हैं और उन पे दौड़ते हुए सैकड़ों वाहन। इस प्रकार शहर का लगातार विस्तार हो रहा है और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स यहाँ पर खुलते जा रहे हैं। और ये यहाँ का सेंट्रल सेक्रेटरिएट है जो मेरे पीछे है, मिस स्टेट सेक्रेटरिएट है। और मैं इस शहर का आनंद ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। दोस्तों, इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी यहाँ की सुबह और शाम दोनों बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पर कभी भी अचानक धूप हो जाती है और उसके बाद अचानक मौसम बदलता है और बारिश होने जैसे हालात हो जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप थी और अचानक ही मौसम कितना सुहावना हो गया। अगर आप यहाँ जाते हैं तो प्रकृति में अचानक होने वाले परिवर्तनों को आप महसूस कर पाएंगे। हम लोगों के वहाँ पहुँचते ही अचानक धूप से बारिश की शुरुआत हो गई। हम लोग बारिश में भी खूब घूमे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, शहर के साथ साथ शहर के आसपास का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं माउंटेन्स के बीच में ये शहर है, तो इसके कारण से आपको हरियाली चारों तरफ देखने को मिलेगी। हालांकि बीच बीच में लगातार होने वाले डेवलपमेंट के कारण से आपको धुआं भी निकलता दिखाई देगा, लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना होता है और अचानक बदलता है, इसलिए यह शहर मुझे काफ़ी पसंद आया। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह शहर के चारों तरफ फैला हुआ क्षेत्र है। यहां पर सुपारी के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बीच में सूरज चमक रहा है। जब सूरज चमकता है और काले बादल छाते हैं तो घटा एकदम ही निराली होती है। तो दोस्तों, जब आप इस मौसम को और इस शहर को पहाड़ के ऊपर से देखेंगे तो आपका आनंद दोगुना होता रहेगा। यह शहर है तो बहुत सुंदर, लेकिन एक यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह क्या समस्या है। तो एक्चुअली यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं और इसके कारण से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं। जब यह लैंडस्लाइड्स होते हैं, पहाड़ टूट करके नीचे गिरते हैं और कई बार वो घंटों तक का जाम लगा देते हैं। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इन एक्टिविटीज़ का यहाँ के क्लाइमेट पर भी बहुत प्रभाव है। लगातार बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या और ट्रैफिक जाम के कारण समर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा है। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण से रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो रहा है और लैंडस्लाइड्स लगातार बढ़ रहे हैं। आप जो देख रहे हैं, यह एक बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पर। फ़िलहाल इन सब ऑब्जर्वेशंस के बावजूद भी हमने शहर का, शहर की खूबसूरती का, वहाँ के लोकेशंस का भरपूर आनंद लिया। यह टाइम हमारे लिए एक मेमोरेबल टाइम के रूप में रहा और हमें जीवन पर्यंत याद रहेगा। एक आखिरी बात कह करके इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। यहाँ पर डिजास्टर्स तो हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की डिजास्टर्स से लड़ने की क्षमता भी अद्भुत है। और लोकल लोगों का डिजास्टर से लड़ना ही कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।